देखो बेटे, परम्यूटेशन हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन में जब हम एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं तो उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमने उनकी पोजीशन को बदल दिया तो वो एक परम्यूटेशन काउंट हो जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग है। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आप किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो। कॉम्बिनेशन में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन से एलिमेंट्स यूज हो चुके हैं उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, तो वो एक कॉम्बिनेशन माना जाता है, भले ही वो आप किसी भी ऑर्डर में जमाएं, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि हमारे पास में तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी। अगर हम इन तीन एलिमेंट्स की मदद से तीन तीन तीनों एलिमेंट्स का लेके एक पेयर बनाएं, ठीक है ना, और परम्यूटेशन बनाएं, तो वो परम्यूटेशन ऐसे बनेंगे, ए बी सी, ए सी बी, ए नॉट ए, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए। ये कुल मिला के 6 परम्यूटेशन हैं। कितने परम्यूटेशन है? 6 राइट। बट अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये केवल एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है तीन एलिमेंट्स का, बस दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? श्योर? पक्का? इट मींस दैट कि हमने तीन एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स लिए और उनका हमने तीन साथ लेके परम्यूटेशन बनाए, तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं वो आएंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3, यानी कि कितने आएंगे? फैक्टोरियल 3 आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, तो वो कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल 3 नहीं होगा, वो केवल 1 होगा। इट मींस दैट कि अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस परम्यूटेशन में किसका? फैक्टोरियल 3 का। समझ में आया कि नहीं आया? श्योर? इट मींस दैट कि यू कैन से दैट कि ये एक ही कॉम्बिनेशन है। इट मींस दैट कि कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों को जो रिलेशनशिप चाहिए, किसमें? परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में, वो रिलेशनशिप ये रहती है कि n, अगर आपके पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उनका परम्यूटेशन बना रहे हैं r एलिमेंट्स को साथ में लेते हुए, तो दिस इज इक्वल्स टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल r, राइट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल r, जहां पर ये जो सिंबल है ये कॉम्बिनेशन सिंबल है। क्या है ये? कॉम्बिनेशन सिंबल है, ठीक है ना? सिंबल, ठीक। ये कॉम्बिनेशन सिंबल एन सी आर ये बताता है कि n एलिमेंट्स में से अगर r एलिमेंट्स को लेके कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं तो उनकी संख्या क्या होगी। एंड दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज इक्वल्स टू एन पी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर इज इन टू फैक्टोरियल r, एंड दिस इंप्लाइज दैट के एन सी आर इज इक्वल्स टू होता है बेटे व्हाट? एन पी आर, एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल r। और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर केस से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? अगर ध्यान से देखो, यहां पर n की वैल्यू कितनी है इस पर्टिकुलर केस में? कहना सर 3 है, और r की वैल्यू भी कितनी है? 3 है। इट मींस दैट के 3c3 इज इक्वल्स टू होगा 3p3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, एंड 3p3 की वैल्यू कितनी आई थी? फैक्टोरियल 3 आई थी, और ये डिवाइड में फैक्टोरियल 3, दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया। इट मींस दैट के 3c3 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। यानी कि तीन एलिमेंट्स अगर हम लें और तीन एलिमेंट्स को लेते हुए हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो केवल एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तीन ही अरेंजमेंट, मतलब तीन एलिमेंट्स को एक साथ लेते हुए अगर हम अरेंजमेंट बनाएं तो परम्यूटेशंस तो 6 बनेंगे,
ओके, लेकिन कॉम्बिनेशन एक ही बनेगा। कॉम्बिनेशन मतलब आपने कौन से एलिमेंट्स यूज कर लिए हैं। तो भाई कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्रम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, परम्यूटेशन में होता है। जैसे बी और सी इधर लिखा और फिर सी भी लिखा, तो ये दो परम्यूटेशन काउंट होंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज में नहीं, आप ए बी सी किधर पे भी लिखो, अगर ए बी सी तीनों यूज हो गए हैं तो वो एक ही चीज माना जाएगा। यानी ये छह परम्यूटेशन तो हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज में एक ही कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि तीन एलिमेंट्स थे ए बी सी, वो तीनों ही हैं, बस ये अदल बदल के बैठ रहे हैं बस आपस में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन में, वो एक ही काउंट माना जाएगा। क्लियर हो गया? पक्का? अब अगर मान लो आपके पास में ऐसे, सपोज दैट आपके पास में फाइव ऑब्जेक्ट्स हो, यानी कि n इज इक्वल टू आपके पास में फाइव हो, और आप r इज इक्वल टू थ्री, उनको उनमें से तीन एलिमेंट्स को लेते हुए परम्यूटेशंस बनाए, तो वो परम्यूटेशन कितने बनेंगे? कहना सर 5P3। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप, तो वो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? वो कॉम्बिनेशन बनेंगे 5C3 is equals to, this is equals to 5P3 upon factorial 3। Exactly। क्लियर? पक्का? और आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 5P3, इसकी वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल सॉरी इट्स फैक्टोरियल 5 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, this is equals to 120 divided by factorial 2, factorial 2 की value 2, factorial 3 की value 6, तो this is 110। it means that there are 10 combination have made selecting 3 elements out of 5। पांच में से तीन एलिमेंट्स को लेते हुए अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? केवल 10 बनेंगे। और अगर परम्यूटेशन बनाएंगे तो 120 तो हमारे पास में बनेंगे 120 यस 60 कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस बनेंगे। परम्यूटेशन कितने बनेंगे? 60। और कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 10। अब यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया है, किसके लिए? एनसीआर के लिए। तो NCR is equals to NPR की वैल्यू होती है factorial n upon factorial n minus r, और ये upon में factorial r। So this is your formula for NCR। NCR is equals to factorial n upon factorial n minus r, ये NPR का ही formula है basically, और उसमें बस divide हो गया है 1 upon factorial r का। तो इसे अपने दिमाग में रखना है कि NCR is equals to factorial n upon factorial n minus r into factorial r। Right? पक्का? ठीक। अब there are some properties of this combination notation। इसकी कुछ properties, कुछ विशेषताएं होती हैं इस combination notation की। तो अब आओ वो विशेषताओं को जरा प्रूफ कर लेते हैं पहले, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ नोट करना। ये है बेटे प्रॉपर्टीज, कॉम्बिनेशन की इन प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। और उसमें से ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमने केवल डिफाइन करी है। क्या करी है? इट्स डिफाइन। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में एन ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करें, तो किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करते हुए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनाए जा सकते हैं? देयर इज ओनली वन कॉम्बिनेशन, ठीक। और प्रैक्टिकली ये दिखता नहीं है, लेकिन हमने इसको डिफाइन कर लिया ऐसे, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप कोई एलिमेंट का एलिमेंट को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हो पेयर बनाने के लिए, अरेंज करने के लिए, तो हाउ इट बिकम वन, राइट? लेकिन हमने इसको डिफाइन कर लिया है कि NC0 इज इक्वल टू वन। क्लियर? राइट? तो ये केवल डिफाइन किया हमने, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि NC0 इज इक्वल टू ऑलवेज वन, राइट? नाउ NCR is equals to NCN minus R, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता है कि NCR की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर अप इनटू फैक्टोरियल r, राइट? अब अगर आप इसमें ऐसा कुछ कर दो, NCR
सॉरी एन सी एन माइनस आर, यही है ना? यस सर। यानी आर की जगह एन माइनस आर रख दो तो दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर एंड दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। ये देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, एन से एन कैंसिल और ये माइनस और माइनस प्लस, यानी इट बिकम फैक्टोरियल आर एंड इट इज फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो जरा ध्यान से देखो ये और ये आपस में सेम है, इट मींस दिस इज एन सी आर, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। नाउ थर्ड को जरा ध्यान से देखो, थर्ड इज ऑल्सो वेरी इजी। थर्ड में बोला है कि अगर ये डिनोमिनेटर यानी कि जो आप एन एलिमेंट्स में से एन एलिमेंट्स में यहां पर आप ए एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, अरेंज करने के लिए यहां बी एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो ए और बी को भी बराबर होना पड़ेगा, ठीक है ना। इट्स प्रैक्टिकली यूज मतलब वेरी इजी और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन फॉर्मूले के बेस पे आप चाहो तो इसे प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे एन सी ए का मतलब है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस ए इंटू फैक्टोरियल ए, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन यानी कि इधर वाली वैल्यू फैक्टोरियल एन माइनस बी फैक्टोरियल बी। तो ये तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, सो दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन माइनस ए सॉरी एन माइनस बी फैक्टोरियल एन माइनस बी इंटू फैक्टोरियल बी एंड दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन माइनस ए इंटू फैक्टोरियल ए, ठीक। और ये कब पॉसिबल है क्योंकि एन तो इक्वल है ए की है, और इन दोनों फैक्टोरियल्स की वैल्यू कब पॉसिबल है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए इज इक्वल टू क्या हो जाए बी हो जाए, राइट जब क्या हो जाए, ठीक है। चाहो तो केस आप लगा के देखो, जैसे मान लो कि इसमें हम ए इज इक्वल टू कुछ लेके देखें, मान लो कि हमने n की वैल्यू यहाँ पर ले ली 5, ठीक है n की वैल्यू 5 ले ली, आप अपनी मर्जी से a इज इक्वल टू 2 ले लो b इज इक्वल टू 3 ले लो, तो जैसे ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो n n माइनस b n माइनस b मतलब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल b यानी कि फैक्टोरियल 3 एंड दिस इज इक्वल टू और फैक्टोरियल 2, ये तो आपस में इक्वल आ गया लेकिन और ए और बी आपस में इक्वल भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसमें एक केस अपन लोग मिस कर गए थे। वो केस ये था कि इफ दिस इज देन ए इक्वल्स टू बी, और साथ में एक चीज और थी जो हम लिखना मिस कर देंगे, और एन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, या तो दोनों बराबर होंगे या फिर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। अब देखो यहां पर कितने ए और बी बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम 5 के इक्वल है तो भी क्या कहते हैं ये आपस में इक्वल माने जाएंगे, मतलब तो भी आपस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों ठीक है ना, राइट। यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, आइदर दिस आइदर दिस, राइट। अगर ये फेल हो गई तो ये हो जाएगी और अगर ये फेल हुई तो ये होगी, ठीक है ना। दोनों एक साथ नहीं होंगी लेकिन, समझ में आ गया पक्का। एंड नाउ लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। इन्हें फॉर्मूलों के तौर पर भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है, इनकी जरूरत हमें कहीं भी पड़ सकती है। अब इसको प्रूफ कैसे करें, इट्स क्वाइट इजी। एन सी आर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन। ये हम लोगों को ये लेकर आना है हम। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान देना बेटे कि हम यहाँ पर फैक्टोरियल एन तो ठीक है, इस फैक्टोरियल एन माइनस आर को एज इट इज रहने दीजिए, इस फैक्टोरियल आर को भी एज इट इज रहने दीजिए, वरना एक काम करिए इस फैक्टोरियल आर में से आर को बाहर निकालिए। तो हमने क्या किया, फैक्टोरियल आर में से आर बाहर निकाला तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल आर माइनस वन प्लस फैक्टोरियल एन इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये बन जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, तो फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, ठीक। इसमें से अगर हम एन माइनस आर को बाहर निकालें तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल एन माइनस आर,
क्योंकि भाई देखो ये जो चीज है, जो भी ये चीज लिखी हुई है, अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो अंदर एक माइनस वन हो जाता है। शायद मैं यहाँ पे कुछ गलती कर गया हूँ, यहाँ पर एक्चुअल में ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ पर इस तरह से जाएगा n माइनस आर प्लस वन पूरा का पूरा बाहर, तो अंदर बचेगा n माइनस आर प्लस वन माइनस वन, तो ये दोनों कट जाएंगे, अंदर बचेगा केवल फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक, जैसे कि r को बाहर निकाला यानी फैक्टोरियल के अंदर जो था उसको पूरे को बाहर निकाल दिया तो अंदर बचा r माइनस वन। सिमिलरली हमने पूरे को बाहर कर दिया तो अंदर जो भी क्वांटिटी थी उसमें से वन लेस हो गया, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन और फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है सर, राइट। एंड ये फैक्टोरियल r माइनस वन एज इट इज आ गया यहाँ पे, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब जरा देखो कुछ कॉमन दिख रहा है पूरे में, फैक्टोरियल n कॉमन दिख रहा होगा, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस r कॉमन दिख रहा होगा और साथ में कॉमन दिख रहा होगा फैक्टोरियल r माइनस वन, ब्रैकेट के अंदर दिख रहा होगा तुम्हें वन अपॉन r प्लस वन अपॉन n माइनस r प्लस वन, यस, वन अपॉन n माइनस r प्लस वन। अब चलो इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं, तो ये एज इट इज फैक्टोरियल n इज ओके, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल r माइनस वन, ब्रैकेट, एलसीएम लेंगे आप तो डिवाइड में आएगा r इंटू में n माइनस r प्लस वन और ऊपर चला जाएगा बेटे n माइनस r प्लस वन और ये प्लस r, कैंसिल r, n प्लस वन, R और R कैंसिल हो गया और आपके पास कितना बच गया, n प्लस वन बच गया, ठीक। एंड नाउ n प्लस वन को आप यहां लिखो, ये फैक्टोरियल n और ये जो बचा हुआ है इस R को लिखो इस R माइनस वन के साथ और इस पूरे को लिख दो इसके साथ, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि अगर हम चाहते हैं तो ये सब करने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन ठीक है ये जरूरत हमें पड़ गई है। n प्लस वन जो बचा आपने उसको यहां मल्टीप्लाई करके लिख दिया, n माइनस आर के साथ में आप ये पूरा का पूरा लिखिए, तो n माइनस आर प्लस वन और फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक, और ये r को फैक्टोरियल r माइनस वन के साथ लिख दीजिए। अब देखो करना अपने को ये है कि भाई हमने इस फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन में से ही इस n माइनस आर प्लस वन को बाहर निकाला था तो ये n माइनस आर बन गया था, तो इसके साथ जब ये अंदर वापस मर्ज होगा तो ये वापस n माइनस आर प्लस वन बन जाएगा, या एक तरह से n माइनस आर माइनस वन बन जाएगा। और ये जो है आपका कौन सा, ये फैक्टोरियल r में से हमने r बाहर निकाला था तो फैक्टोरियल r माइनस वन बना था, तो ये दोनों का जब अंदर वापस मर्ज होगा तो इट बिकम फैक्टोरियल r। ये एक नई चीज है आपके लिए, वॉट दिस। अब जरा ध्यान से देखो, फैक्टोरियल n प्लस वन अगर होता ये तो आप इसमें से जब n प्लस वन बाहर निकालते तो अंदर बचता फैक्टोरियल n, क्योंकि ये कम हो जाता है अंदर बाहर, ये पूरी की पूरी चीज बाहर निकाली तो एक अंदर कम हो गया ना, इसका मतलब n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस वन डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट n माइनस आर प्लस वन और मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल r, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, क्या है ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखो, फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल r, हाँ या ना। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर, यही होगा ना, एन प्लस वन सी आर, राइट, एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। सो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ है इस तरह से। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, रिजल्ट में ये कभी कभी पूछा जाता है, एक ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है जिसका यूज बार बार तुम्हें करना पड़ सकता है। और बाकी एक जो पैरेंट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो तो याद ही रखना है तुम्हें, क्या, कि एन सी आर इज इक्वल्स टू, यस,
एन पी आर अपॉन फैक्टोरियल आर, ठीक है। इस पैरेंट फॉर्मूले को भी याद रखना, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो जरा, जो तुम्हारी मर्जी हो। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.4, शुरू करते हैं हम लोग। और उसमें जो क्वेश्चन नंबर वन है, वो क्वेश्चन नंबर वन हमसे ये कहता है, व्हाट क्वेश्चन नंबर वन हमसे कहता है, NC8 इज इक्वल टू NC2। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है NC2 की, पर NC2 की वैल्यू हम तब फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास में N की वैल्यू हो। अब इस N की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था। वो बेसिकली प्रॉपर्टी थी कॉम्बिनेशन की। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि NCA इज इक्वल टू NCB implies that A is equals to B or N is equals to A plus B, right? अब जरा यहां पर देखिए, here A is equals to 8 and B is equals to कितना है बच्चों, 2, and both are not equal, दोनों equal नहीं है। So this implies that N is equals to A plus B, फिर ये होना चाहिए। तो N is equals to हो जाएगा 8 plus 2 यानी कि 10, यानी n की वैल्यू आ गई 10 यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि NC2 यानी कि 10C2 की वैल्यू हो जाएगी फिर 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, ये आप कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 9 5 45। तो आपके पास NC2 की वैल्यू आ गई है 45, राइट स्टूडेंट्स। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। बट क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। इसको जरा अच्छे से समझिएगा, बिकॉज ये आपको मदद करेगा आगे के क्वेश्चंस को समझने में, है ना। देखिएगा जरा ध्यान से। आपको पता है कि NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन फैक्टोरियल r, राइट स्टूडेंट्स, ठीक। इट मींस दैट कि अगर हम 5C3 की वैल्यू निकालें, so this is equals to factorial 5 upon factorial 5 minus 3 upon factorial 3, right students। तो हम इसको लिखेंगे फिर factorial 5 upon factorial 2 into factorial 3, ठीक है ना। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं 5 4 3 factorial 2 upon factorial 2 into factorial 3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, हमारे पास आएगा 5 4 3 अपॉन में 3 2 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, क्या कि 5C3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 4 3, यानी कि 5 से घटते हुए क्रम में 3 डिसेंडिंग नंबर्स, राइट, कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद 5। तो 5 4 3 क्रमागत 3 नंबर, 5 4 3 और फिर नीचे 3 2 1, लॉजिकली। हाँ, हमने पूरा सिंप्लीफाई करके ये लॉजिक बनाने का प्रयास किया है। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे 5C2, तो आपका जवाब होगा 2 लिखा है ना नीचे, मतलब कि 5 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। चाहो तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इसी तरीके से। उसी तरह अगर आपसे कोई कह दे कि 10C3, तो आपका जवाब होगा 10 9 8 अपॉन 3 2 1, राइट। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यही रिजल्ट मिलने वाला है। एक्चुअल में ये जो लॉजिक है, ये जो तरीका है, ये आपको बड़े बड़े कॉम्बिनेशंस को सिंप्लीफाई करने में मदद करेगा और आप कम समय में कर पाओगे। तो इसको अपने दिमाग में रखना है आपको। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर लो। दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 3 यानी कि 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, राइट। फैक्टोरियल 7 के लिए आप 10 को लिख सकते हैं 10 9 8, और फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, ये 3 2 और 1, ये कैंसिल हो गया, 10 9 8 3 2 1 आ गया ना, ठीक है। 10 से स्टार्ट करते हुए 3 घटते हुए नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, क्रमागत प्राकृत संख्याएं 10 9 8। नीचे फिर जितना नीचे लिखा हुआ है 3 2 1, उससे भी इसी तरह से लॉजिक लगाइए, 3 2 1 घटते हुए क्रम में 3 नंबर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अगले जो दो प्रश्न है उसमें एक्चुअल में हमें ये लॉजिक लगाना है क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट्स व्हाई मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताया। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का 1, वो हमसे ये कहता है कि n की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड n, राइट, फाइंड n, यस।
और हमको उसने पहले पार्ट में गिवन है 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल्स टू 12:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वास्तव में आपको ऐसे दिया हुआ है 2NC3 अपॉन में NC3 इज इक्वल्स टू 12/1। जिसको आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें तो ये ऐसे बन जाएगा 2NC3 इज इक्वल्स टू 12NC3। अब यहां पर भी वो लॉजिक लगाइएगा बच्चों, हाँ तो जरा देखिएगा कैसे काम बनता है अपना। तो 2NC3 को यानी कि 2N से घटते हुए तीन क्रमागत नंबर, यानी कि पहला 2N, दूसरा 2N-1, तीसरा 2N-2, डिवाइड बाय कितना 3:1। और इसी तरह 12 और यहां पर भी इसी तरह से N-1 N-2 अपॉन 3:1। राइट बच्चों, अब इसको यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं अपन लोग। दिस इंप्लाइज दैट, लुक एट दैट, ये 3:1 से 3:1 कैंसिल, ठीक है ना, ये N से ये वाला N कैंसिल और 2 बचा, 2N-1 बचा, इधर पे 2N-2 में से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा N-1 इज इक्वल टू में आपके पास बचा है N-1 N-2 और 12। राइट बच्चों, तो N-1 से N-1 कैंसिल कर दीजिए और अब आपके पास में जो बचा है उसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं बच्चों इसके, तो दिस इज इक्वल्स टू आपके पास बचा है 2N-1, ओके एक और 2 है यहां पर, ये 2 इज इक्वल्स टू 12 N-2, राइट, मल्टीप्लाई करिए तो ये 4 2 8N-4 इज इक्वल्स टू, ओके आप चाहे तो डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते थे, ये 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 2N-1, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 3N-6, तो आपके पास हो जाएगा, एक काम करिए 6 को इधर लाइए 2N को इधर लेके जाइए, तो 6-1 और 3N-2N, तो यहां से फिर N की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 5, N इज इक्वल्स टू 5। समझ में आया बच्चों, 3N-2N और 6-1 5, तो यहां से बच्चों N की वैल्यू कितनी आ गई है, N की वैल्यू आ गई है 5। लेकिन लॉजिक ध्यान रखिएगा कि आपने लॉजिक क्या इस्तेमाल किया है, लॉजिक आपने इस्तेमाल किया है इस क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला जो आप अभी पढ़ के आए थे, क्या 2NC3 और इसको रेशो में लिखा 12/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से ले आए। मेन था कि 2NC3 को आपने कैसे लिखा, 2N 2N-1 2N-2, तीन घटते हुए नंबर्स, ओके अब क्योंकि n तो पता नहीं है तो घटते हुए तीन नंबर्स में से एक बार एक घटाएंगे एक बार दो घटाएंगे, सिंपल 3:1 और सिमिलरली N N-1 N-2 अपॉन 3:1, 3:1 से 3:1 कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा था आपने सामने से उससे कैंसिल किया बच्चों, ओके जो कॉमन निकल सकता था उसमें से कॉमन निकाला और फाइनली हमारे पास में जो n की वैल्यू है वो आ गई है कितनी, 5। सो दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। इसी तरह इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे ऐसे ही कुछ कहा है, बस अंतर ये है दोनों एक जैसे ही हैं बच्चों लगभग, उसमें हमसे 2NC3 डिवाइड बाय NC3 इज इक्वल्स टू 11/1 ये दे रखा है आई थिंक मेरे हिसाब से बच्चों। तो जो मुझे लग रहा है कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बहुत हद तक पहले तो यही आने वाला है, ओके बिल्कुल ये सेम दिया, बस वो 12 की जगह 11 है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2N क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो 2NC3 इज इक्वल्स टू 11NC3 और फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, तो 2N 2N-1 2N-2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा डिवाइड में 3:1, यहां पर इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 11 N N-1 N-2 अपॉन में 3:1। राइट बच्चों, कैंसिल करिए बच्चों, तो ये 3:1 से 3:1 कैंसिल, N से ये N कैंसिल हो जाएगा
और यहां से अगर आप 2n-1 कॉमन ले लें तो ये n-1 इज इक्वल्स टू 11n-1 और n-2, तो ये n-1 से n-1 कैंसिल हो गया। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8n-4 इज इक्वल्स टू 11n-22। ठीक, 8 को उधर ले जाइए, 22 को इधर लाइए, तो 22 को इधर लाइए तो इट्स 22-4 इज इक्वल्स टू 11n-8n, तो 11n-8n हो जाएगा बच्चों कितना, दिस इज 22-4 तो ये 18 और ये हो गया 3n, 3 से 18 कैंसिल हो गया बच्चों, तो इट इज बिकम n इज इक्वल्स टू 6, ओके, बिकॉज 3, 6 are 18, तो यहां से n की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पर फिनिश हुआ, 2 का सेकेंड पार्ट। लेकिन आई अगेन रिपीट दैट कि ये जो लॉजिक है इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिकॉज इस लॉजिक की मदद से आप कॉम्बिनेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं चुटकियों में, अदरवाइज वो फॉर्मूले से करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, तो इसको अपने दिमाग में एज अ शॉर्ट ट्रिक रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए, जो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है हाउ मेनी कॉर्ड्स चॉर्ट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, यानी एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं, तो उन 21 पॉइंट्स से कुल मिला के कितने चॉर्ट्स या जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो भाई आपको पता है कि सर्कल पर एक चॉर्ट को खींचने के लिए 2 पॉइंट्स जरूरी होते हैं, तो एक तरह से उन 21 पॉइंट्स से 2 पॉइंट्स को लेते हुए कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं ये हमें फाइंड करना है एक तरह से, यानी कि 21 पॉइंट्स में से 2 का कॉम्बिनेशन अगर लें तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, उतनी ही हमारे पास कॉर्ड या जीवाएं बनेंगी, वही हमें फाइंड करना है। तो आप इसको इस तरह से निकालेंगे, क्या, यानी कि नंबर ऑफ चॉर्ट्स इज इक्वल्स टू 21C2, और कुछ भी नहीं है, तो 21C2 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 21 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 21 इज ओके, 21 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 21 इंटू 20 फैक्टोरियल 19 डिवाइड बाय दिस इज फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 2, ये दोनों आपस में कैंसिल, एंड दिस इज 20 and divide by factorial 2, यानी कि 2, ये cancel, 10 times 21 into 10, this is 210, यानी कुल मिला के 210 जोड़े बनाए जा सकते हैं 21 पॉइंट से, यानी इतने चॉर्ट्स खींचे जा सकते हैं उस पर्टिकुलर सर्कल में, कोई डाउट? ये सब सॉल्व करने के अलावा एक शॉर्टकट और है इसकी वैल्यू निकालने का, कैसे, 21C2 की वैल्यू निकालने के लिए नीचे कितना लिखा है, 2, तो आप इसको ऐसे करिए 21 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 1, ट्वेंटी 21 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 जोड़े लेने हैं आपको, 21 इंटू 2 20, यानी 2 लेने हैं बस केवल, डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 डिवाइड में, अगर ये 3 होता यानी कि 21C3 होता तो 21 20 19 डिवाइड बाय 3 2 1, सॉल्व कर दो, और करोगे इसको सिंपलीफाई तब भी यही आना है, ठीक है ना, वो देखो कैसे आता है, ये देखो अपन इसको 19 लिखते हैं, फिर 19 तक इसको तोड़ते हैं तो ये 21 20 फिर दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 2 बचता है, 2 को नीचे 2 इंटू 1 लिख लेते हैं, सिंपल। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 के ऊपर आओ जरा, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4 सेज, हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, हमारे पास में 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कों में से हमें 3 लड़के चुनना है और 3 सॉरी और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनना है, और कुल मिला के 6 लोगों की टीम बनानी है जिसमें 3 लड़के होना चाहिए और 3 लड़कियां होना चाहिए। सो नंबर ऑफ वेज क्या होगा हमारे पास, जरा ध्यान देना,
फाइव बॉयज में से हमें तीन बॉयज चाहिए तो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 5C3। ठीक, अब गर्ल्स भी चाहिए हमें, गर्ल्स भी चाहिए, कितनी गर्ल्स चाहिए, फोर गर्ल्स में से तीन गर्ल्स चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द नंबर ऑफ वेज, क्योंकि इसके एक वे के लिए यहां पर इतने वे बनेंगे, बॉयज को इतने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल भाई, हमारे पास में चार लड़कियों में से तीन चुनना है ना, आपने तीन लड़कियों का एक कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन उनके एक कॉम्बिनेशन के लिए 5C3 लड़कों के टोटल जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, बन सकते हैं, वो सब यूज हो सकते हैं, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के लिए वो कॉम्बिनेशन लड़कों का वो सब यूज हो सकते हैं। फिर ऐसे ही लड़की के दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए बॉयज के सारे कॉम्बिनेशन यूज हो सकते हैं, क्योंकि अलग कॉम्बिनेशन बन गया ना वो तो, क्योंकि उसमें लड़कियां अलग हैं। समझ में आई कि नहीं बात? राइट, तो इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 5C3 का मतलब होता है 5, 4, 3 / 3, 2, 1, मैंने डायरेक्ट किया है। ठीक है, और 4C3 मतलब 4, 3, 2 / 3, 2, 1, अब कैंसिल कर दो, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल, और ये 6 से ये 6 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 10 × 4, यानी कि कुल मिला के 40। देयर आर 40 वेज टू फॉर्म अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यस सर। राइट, प्लीज चेक द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड, 5 वाइट, 5 ब्लू, 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, कुल मिला के 9 बॉल्स हमें सिलेक्ट करनी है, हाँ सर, टोटल बॉल्स 6, 5, 5, 5. चलो ठीक, तो सर अपन ग्रेड में 6 बॉल है, उसमें से 3 सेलेक्ट करनी है। एग्जैक्टली, हमें कुल मिला के 9 बॉल्स चाहिए। ठीक है, 9 बॉल्स चाहिए, और हमारे पास में 6 रेड बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं, और हर कलर से 3-3 बॉलें चाहिए, तो किसी एक कलर की कॉम्बिनेशन के लिए बाकी के कलर के कॉम्बिनेशन पूरे माने जाएंगे। तो यहाँ पर अब तीन तरह से हमें चुनना है, यहाँ पे दो तरीके थे, एक लड़की कॉम्बिनेशन, एक गर्ल्स की कॉम्बिनेशन के लिए बॉयज के सारे कॉम्बिनेशन यूज हो रहे थे, अब यहाँ पर तीन तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे अलग अलग तरीके से। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, राइट, सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, यानी कि 9 गेंदों को चुनने के कुल तरीके जो होंगे, तो हमारे पास में हर कलर की, क्योंकि 3 बॉल्स हमें लेनी ही है, जो रेड बॉल्स थी वो थी 6, तो 6 में से हमें 3 लेनी है, जो व्हाइट बॉल्स थी वो है 5, तो 5C3, और जो है ब्लू वही 5C3, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, एंड दिस इज इक्वल्स टू, आप इसको 6, 5, 4 / 3, 2, 1, एंड सॉरी दिस इज मल्टीप्लाई 5, 4, 3, दिस इज 3, 2, 1, और 5, 4, 3, 3, 2, 1, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, ये आपका 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 2 टाइम कैंसिल, ये इस तरह से 2 टाइम कैंसिल, आपके पास में आ गया ये 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो दिस इज 100 एंड दिस इज 20, तो इट्स अ 2000। यस सर, दिस इज योर आंसर। आप 2000 तरीकों से 9 बॉल सिलेक्ट कर सकते हो, जबकि तीनों कलर्स की आपको 3-3 बॉल्स लेनी है। ठीक है ना, इसको समझना है ध्यान से, ठीक है, लॉजिकली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन ये कहता है कि भाई 52 कार्ड्स हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ वाला, आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपको 5 कार्ड्स का पेयर बनाना है, यानी कि निकालना है उसमें से, लेकिन शर्त यह है कि आप जो भी 5 कार्ड्स लें तो उनमें एक
एग्जैक्टली एक एक का होना चाहिए, एश होना चाहिए, यानी कि आपके पास टोटल फोर इक्के होते हैं, चार इक्के होते हैं, उनमें से एक आपको चुनना ही पड़ेगा, मस्ट है ये। इट मीन्स दैट कि टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग फाइव कार्ड्स, ठीक, ओके, हैविंग वन एश, तो दिस इज इक्वल्स टू फोर सी वन, आपने एक एश चुन लिया। अब आपके पास में क्या बचे हैं, बाकी के चार कार्ड आपको लेने हैं। अब बाकी के चार कार्ड आप कहीं से भी ले लो, किन्हीं में से भी ले लो, तो चार कार्ड्स निकल गए आपके, तो बाकी के कितने कार्ड बचे, अब टोटल 52 होते हैं, 48 कार्ड्स बचे हैं। अब 48 कार्ड्स में से आपको चार कार्ड और लेने हैं, तो दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इतने बनेंगे आपको, क्योंकि बाकी के चार कार्ड क्या होंगे इसके कोई कुछ भी हो सकते हैं वो, लेकिन एक इक्का चाहिए था इसलिए उसको अलग से सिलेक्ट किया, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 4C1 की वैल्यू होती है 4, एंड 48C4 की होगी 48, 47, 46, 45 डिवाइड बाय 4, 3, 2, 1, राइट, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और आई थिंक दिस इज 6 और 16, तो आपके पास फाइनली आंसर आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई 2 भी कैंसिल कर दिया, कौन सा, मैं 3 और 16 का आ रहा था, तो हाँ 8 आ जाएगा, 16 की जगह 8 आ जाएगा, चलो यहाँ पर 8 लिख देते हैं फिर, ओके 6, तो 6 8 जा 48, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 8, तो सॉरी इट्स 8 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 45, चेक कर लो इसका आंसर क्या आ रहा है, 77 8320, ये इसका आंसर है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, 6th हम लोग कर चुके हैं, 7th पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, मतलब कि 17 लोग हैं उनमें से हमें 11 लोगों की टीम चुननी है, उन 17 में से 5 लोग जो है बॉलिंग करते हैं, और शर्त यह है कि जिन 11 को हमें चुनना है उनमें 4 बॉलर हमें रखने ही हैं, ये मस्ट है, ठीक है ना, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो अब जो 11 प्लेयर्स की टीम है उसे सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। सो 7th क्वेश्चन है ये, और हमें यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 11 प्लेयर्स, तो 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए टोटल वेज क्या होंगे स्टूडेंट्स, देखिए हमारी पास में टोटल 17 प्लेयर्स हैं, तो 17 में से 5 बॉलर्स हैं, और उन 5 बॉलर्स में से हमें 4 चुनने ही हैं, तो उस 5 में से 4 बॉलर्स को चुनने के जो तरीके हैं कुल तरीके वो हो जाएंगे 5C4, इट इज नॉट परम्यूटेशन, इट इज कॉम्बिनेशन, वो 4 बॉलर्स कौन से होंगे ये वो तरीके हैं टोटल। नाउ मल्टीप्लाई बाय, अब 4 बॉलर का वो जो कॉम्बिनेशन है उस एक कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास में बाकी के जो प्लेयर्स बचेंगे यानी टोटल जो 7 प्लेयर्स हैं उनको चुनने के कई तरीके हो सकते हैं, और वो टोटल तरीके कितने होंगे, वो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे 17 में से 5 आपने माइनस कर दिए 12 बचे, अब 12 में से आपको चुनना है 7 प्लेयर्स, ठीक, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 बॉलर्स एंड 7 अदर प्लेयर्स आउट ऑफ 12, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमने लॉजिक कैसे लगाया है, 5 बॉलर्स में से 4 चुनने थे तो बचे हुए जो 7 प्लेयर हैं वो उनको चुनने के लिए हमारे पास 12 प्लेयर्स ही बचेंगे, सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो आपके पास में फाइनली जो आंसर है वो आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइड बाय, बल्कि इतना सब लंबा ना करें, आपको पता है एक फॉर्मूला के NCR is equals to NCN minus R, तो आप इसको लिख सकते हैं 5C1 multiply by, इसको आप लिख सकते हैं 12C5, it's very easy because N minus R मतलब 12 minus 7 5 और 5 minus 4 1, तो ये बन जाएगा बच्चों 5 multiply, ये हो जाएगा 12 11 10,
and 9 and 8 and divide by 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है ना, अब आप कैंसिल कर दीजिए, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 से 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप इस 8 को कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम, तो 11 टाइम्स हो जाएगा, इट इज 110 एंड 9 4 हो जाएगा कितना, इट इज 9 4 36. ओके, अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 into 1, 36 का कैरी 6 एंड सॉरी 6 और ये हो गया यहाँ पे 3 और 36 और 3 39 और ये 0. इट मींस दैट योर आंसर इज 3960. 3960 वेज हो सकते हैं 11 प्लेयर्स को चुनने के. क्लियर बच्चों? राइट. नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर के बाद अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8. एंड व्हाट द क्वेश्चन नंबर 8 आस्क्ड टू अस. क्वेश्चन 8 कहता है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स. डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड. हमारे पास एक बैग है, उसमें 5 ब्लैक, 5 काली गेंदे हैं और 6 लाल गेंदे हैं. 5 में से हमें 3 काली गेंदे चुननी है और 6 में से 3 लाल बॉल चुननी है. तो कितने तरीकों से ये चुना जा सकता है? तो हम यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज. ठीक है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू, हमें चुननी है 5 ब्लैक बॉल्स में से 3, 5 ब्लैक बॉल्स में से सॉरी 2 ब्लैक बॉल्स चुननी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हमारे पास में 6 रेड हैं, उसमें से हमें चुननी है 3. तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 5C2 मल्टीप्लाई 6C2. इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने होते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, पहले हमने 5C2 5 बॉल्स, 5 में से 2 बॉल्स चुनने के कुल कॉम्बिनेशन, फिर ये कॉम्बिनेशन. अब क्योंकि हर कॉम्बिनेशन के लिए इसके सारे कॉम्बिनेशन यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि कुल मिला के तो एक अलग कॉम्बिनेशन ही माना जाएगा ना, तो इसीलिए फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों. तो 5C2 का मतलब होता है 5 4 अपॉन 2 इंटू 1 और इसका मतलब होता है 6 5 4 3 2 1. ये अब से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 10, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आंसर आएगा 200. राइट, तो 200 तरीके हो सकते हैं, 200 वेज आर देयर फॉर सिलेक्टिंग 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स. ठीक है, एंड देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कहता है बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस If 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student. तो ये बहुत ही logical और आसान सा question है बच्चों. हमसे वो ये कह रहा है कि 9 courses हैं, उनमें से 5 हमें select करने हैं, लेकिन 2 course compulsory हैं, यानी कि 2 के लिए अपने पास choice ही नहीं है, वो तो हमें करना ही है. यानी choice कितने के लिए बची? 3 courses के लिए बची, और 9 में से 2 compulsory हैं, तो 7 courses बचे और 7 में से हमें 3 सेलेक्ट करने हैं. तो कितने तरीकों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बचेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 कोर्सेस, ठीक है ना, 5 कोर्सेस जिसमें से 2 कंपलसरी थे, 2 कंपलसरी, राइट. तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 कंपलसरी हैं, तो 2C2 मल्टीप्लाई बाय 7C3, यानी कि 2 कंपलसरी थे, तो 2C2 मल्टीप्लाई बाय बाकी के 7 में से 3 ही हमारे पास चुनने के अब ऑप्शंस बचे हुए हैं, तो 7C3, तो दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 2 1, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 35. इट मींस दैट देयर आर 35 वेज ऑफ सिलेक्टिंग दीज 3 कोर्सेस, क्योंकि 2 कंपलसरी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज यहां पर फिनिश हुई और इस एक्सरसाइज के साथ मैं चैप्टर भी फिनिश करता हूं. हमारे पास में इस एनसीईआरटी के बुक में कई सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, तो उन एग्जांपल्स को भी आप लोग जरूर करिएगा.
एग्जाम्पल्स पूरे करिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूरे करिए, और जो इसका एग्जाम्पलर होता है एनसीईआरटी की वेबसाइट पर भी दिया हुआ है और आप बुक मार्केट से ले भी सकते हैं, उस एग्जाम्पलर को भी करिए, बिकॉज उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कई सारे और अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं जो आपको मदद करेंगे इस चैप्टर को समझने में। कोई डाउट या क्वेरी बनता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने उन मित्रों के साथ में जरूर इन वीडियोज को शेयर करिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है किसी भी कोचिंग में जाने के लिए। तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए ही बनाया गया वीडियोस हैं स्टूडेंट्स। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।